सन 1942 में डॉक्टर बैरी मार्शल और जॉन वॉरन दोनों ने मिलकर ये दरियाफ्त किया कि पेट में अल्सर की सबसे बड़ी वजह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एच पायलोरा है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस दरियाफ्त को रिजेक्ट किया, तो डॉक्टर बैरी मार्शल ने क्या किया? डॉक्टर बैरी मार्शल बड़े अकलमंद आदमी थे, उन्होंने अपना एंडोस्कोपी करवाई। एंडोस्कोपी से पता चला कि इनके पेट के अंदर कोई अल्सर मौजूद नहीं। उसके बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया का सैंपल पी लिया। अगले दिन उनको वो सारे सिम्टम्स नज़र आए जो स्टमक अल्सर के अंदर नज़र आते हैं। इस तरीके से उन्होंने साबित किया कि यही वो बैक्टीरिया है जो अल्सर्स कॉज कर रहा है। इस डिस्कवरी से बहुत सी चेंजेस आईं। इस डिस्कवरी से पहले हम एसिडिटी को थोड़ी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते थे। एक नर्व होती है जो पेट की तरफ जा रही होती है, हम उसे वेगस नर्व बोलते हैं। अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था तो उसका सोल्यूशन एंड में यही होता था कि आप वेगस नर्व काट दें। लेकिन जब हमें यह पता चला कि इसकी बहुत बड़ी वजह बैक्टीरिया है, तो इसका इलाज एंटीबायोटिक हो गया। आज हम इसी बैक्टीरिया यानी एच पायलोराय के बारे में बात करेंगे। रोल द इंट्रो। डॉक्टर साहब प्रेजेंट्स शॉर्ट साइड। एच पायलोराय एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो खाना और पानी के जरिए हमारे पेट में दाखिल होता है। जितनी बुरी सैनिटेशन की हालत, उतना ज्यादा एच पायलोराय कॉमन। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन यानी 66% के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है। हालांकि उस 66% में से मेजॉरिटी के अंदर वो कोई सिम्टम्स नहीं कराता, लेकिन जिनके अंदर वो सिम्टम्स करवाता है उन सिम्टम्स में शामिल है पेट में दर्द, भूख कम लगना, सीने में जलन, गंदी डकारें आना, पेट फूलना और ज़्यादा गैसेस होना यानी ब्लोटिंग। जिन लोगों के अंदर इसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है उनके अंदर अल्सर्स बन जाते हैं और वो अल्सर कभी कभार ब्लीड कर सकते हैं। जब ये अल्सर लंबे अरसे तक ब्लीड करते रहें तो उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थकावट, सुस्ती, ये सब होना शुरू हो जाता है। अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो इसकी वजह से काले पखाने और वेट लॉस भी नज़र आता है। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात, और अगर एच पायलोरा इन्फेक्शन को बहुत अरसे तक ट्रीट ना किया जाए तो वो एक किस्म के स्टमक कैंसर का भी बायस बनता है। अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसको डिटेक्ट करना या उसको डायग्नोस करना होता है। तो अगर आपको हाजमे से रिलेटेड इस किस्म के सिम्टम्स बहुत अरसे तक हो रहे हों तो सबसे पहला शक आपको एच पायलोराय की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक आसानी से ट्रीटेबल कॉज है। एच पायलोराय को डिटेक्ट करने के बहुत से तरीके हैं। सांस के जरिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर यूरिया चेक किया जाता है। अगर यूरिया बढ़ा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि पेट में एच पायलोराय मौजूद है। इसके साथ साथ खून और स्टूल के जरिए भी एच पायलोराय को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में आप एक कैमरे के जरिए पेट को देखते हैं। अगर पेट में कहीं ना कहीं सोजिश महसूस हो तो उधर की बायोप्सी ली जाती है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। अगर उसके अंदर एच पायलोराय निकल आए तो उसका मतलब है पेशेंट इन्फेक्टेड है। एक दफ़ा अगर एच पायलोराय कन्फर्म हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। कुछ हफ्ते तक आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उन दवाइयों में शामिल हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, कोई लंबी हो रही है यार। नहीं, ये लोग अटेंशन दे देते हैं इतनी। नेक्स्ट वीडियो में कर लें। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवालात हैं तो अच्छी बात है। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब, और अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा।